नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस देखेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नंट जली उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में नंट जली उत्सव मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। नटंजलि या नट जली हिंदू भगवान शिव के स्मृति में एक वार्षिक नृत्य उत्सव है। नटंजलि 5 दिवसीय त्यौहार है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन शुरू होता है। नटंजलि नृत्य महोत्सव फरवरी मार्च में प्रतिवर्ष चिदंबरम मंदिर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। जप्ती प्रथा के आधार पर टोडरमल ने नए सुधार कार्यक्रम किए जो आयन दहशाला कहलाया। आयन दहशाला प्रणाली 1580 ईस्वी में कब? तो 1580 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सुपर कमांडर पद के उत्तरदायित्व को संभाला और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में नेताजी ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, क्या अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीताराम राजू। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। आंध्र प्रदेश के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू थे। 1879 में हुए रंपा विद्रोह का मुख्य कारण था ताड़ी निकालने पर रोक लगाना। 1880 ईस्वी में रंपा विद्रोह दबा दिया गया और 1922 ईस्वी में पुनः सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानून एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह हो गया। अगला है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में चित्री के समीप थिरुपट्टर में स्थित है। यह मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर शिव का मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, 1929 ईस्वी में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था और ये शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से पारित किया गया था। शारदा अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लड़का तथा 14 वर्ष से कम उम्र लड़की के विवाह पर रोक लगाकर बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत क्रस्ट में मुख्य रूप से खाली स्थान होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशिया। क्या होते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। पृथ्वी की ठोस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है और सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? गोंचा महोत्सव। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की जनजातियाँ गोंचा त्यौहार मनाती है। गोंचा महोत्सव रथ यात्रा के समय मनाया जाता है और गोंचा त्यौहार की शुरुआत चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। गोंचा त्यौहार बस्तर दशहरा के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। ज्योतिराव गोविंद राव फूले ने बम्बई में 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कब की? तो 24 सितंबर 1873 को। ज्योतिराव गोविंद फूले के आंदोलन का प्रतीक राजा बलि था जो हिंदुओं के आराध्य श्री राम का विरोधी था। और ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म नामक दो पुस्तकें लिखी है। गुलामगिरी एवं सार्वजनिक सत्य धर्म नामक दो पुस्तकें। अगला है, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ की फसल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षा। खरीफ की फसल वर्षा मौसम में उगाई जाती है।
खरीफ फसल की दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ के साथ ही बो दिया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, यानी जून जुलाई में बो दिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि आता है। निम्नलिखित में कौन सा काल क्रमानुसार तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तुगलक वंश का शासन काल कब से कब तक रहा था? तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा था। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा खाली स्थान प्रतिमाह तय की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 816। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा 816 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। तेंदुलकर समिति ने 2011-12 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी का निर्धारण किया था। तेंदुलकर के अनुसार शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा 1000 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। और रंगराजन समिति ने शहरी क्षेत्र में 47 और ग्रामीण क्षेत्र में 32 से कम प्रतिदिन आय अर्जन करने वाले को BPL माना जाता है। और तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्र में 33 और ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये से कम प्रतिदिन आय अर्जन करने वाले को BPL माना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43B। भारतीय संविधान का 43B अनुच्छेद सहकारी समितियां के संवर्धन से क्या है संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 43A जो है वो जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 43B 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के समय। और राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्ती व्यवस्था लागू किया था। 10 साला प्रणाली के तहत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उत्पादन और औसत कीमतों का हिसाब लगाया जाता था। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा सेना की हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 ईस्वी में अफगानिस्तान में स्वतंत्र शासक बना। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया। पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में जादूनाथ सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसने कोई न कोई व्यक्ति न खोया होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में एक व्यापारी ने कहा था कि 2 मोती बिलुन हो गए और कई सोने की मुहरे भी खो गई, चांदी और कांसे की तो गणना ही नहीं की जा सकती है। अगला है, आँख की वह संरचना जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे कॉर्निया कहा जाता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है परंतु मस्तिष्क इसे सीधा देखता है। आयरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रात्मक नियंत्रण करता है। नेत्र का रंग जो है वो आयरिस पर निर्भर करता है। और नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह वह बल है जिससे पृथ्वी से अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है, यानी W बराबर जो होता है वो mg होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पीच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग अलग करने में सक्षम बनाती है? और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि की विशेषता या गुणता। ध्वनि की विशेषता या गुणता समान पिच और तीव्रता वाले ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है। तारत्व का अधिक होना पतली ध्वनि एवं कम होना मोटी ध्वनि कारक है। ध्वनि तरंग यांत्रिक अनुधैर्य तरंग है। क्या है? अनुधैर्य तरंग है। नेक्स्ट है, इनमें से किस यौगिक में समान रूप से आयन नहीं पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4 यौगिक यानी मिथेन में आयन नहीं पाए जाते हैं। मिथेन जो है सहसंयोजक बंधन होते हैं। आयनिक यौगिक के कौन से गुण इसमें नहीं होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें दिशात्मक गुण होता है। क्या होता है? दिशात्मक गुण प्रदर्शित होता है। आयनिक
यौगिक के गुण हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, इनका उच्च क्वथनांक एवं द्रव्यमानांक होता है, यह इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः आदान प्रदान जो है वो आदान प्रदान द्वारा बनते हैं। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा नदी। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। पिंडर नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है। टिहरी नदी कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने खाली स्थान के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। बंदा बहादुर का बचपन का नाम जो था वो क्या था, तो वो लक्ष्मण क्या था, लक्ष्मण देव था। क्या था, लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर का नाम गुरु बख्श सिंह रखा था। बंदा बहादुर सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। इन्होंने प्रथम सिख राज की अवधारणा विकसित की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया था। बंदा बहादुर ने सरबत खालसा गुरुमत्ता राखी प्रथा शुरू किया था और बंदा बहादुर के काल में चांदी के सिक्कों पर देग तेग तथा फतेह नाम उत्कीर्ण थे। बंदा बहादुर ने बाहे गुरुजी खालसा के स्थान पर फतह दर्शन का नारा दिया था। बाहे गुरुजी खालसा के नाम पे के स्थान पे फतह दर्शन का नाम दिया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जो है वो कायम किया। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र व उत्तराधिकारी था और अशोक बिंदुसार का पुत्र व उत्तराधिकारी था और बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, ला लीगा खिताब खाली स्थान से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। ला लीगा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ला लीगा 2022 का खिताब रिकॉर्ड 35वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता है। होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु के धर्मपुरी में कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंजकल जलप्रपात शिमोगा, जिसे कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित कौन सा है? तो वो स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। जोग अथवा गर्सोपात महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, फकीर चंद कोहली को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। फकीर चंद कोहली, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। फकीर चंद कोहली आईटी कंपनी टीसीएस के फाउंडर और इस कंपनी के पहले सीईओ थे। क्या थे? सीईओ थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलीन तंत्र। क्या है? कुलीन तंत्र। राज्य का शासन उस कुल के लोगों को एक समिति चलाती है, ये कुलीन तंत्र होता है। कुलीन तंत्र वह शासन प्रणाली या व्यवस्था जिसमें किसी देश या राज्य का शासन उच्च कुल के लोगों की एक समिति चलाती है। संविधान के प्रस्तावनाओं में संविधान को कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? कैप्टन रूप सिंह, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर शहर में स्थित है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है 1988 में आयोजित किया गया था और यह पूर्व हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप पूर्व हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर यह रखा गया है स्टेडियम का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 में यह वंद करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संबंधित है। 1757 का वर्ष भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था?
और इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। क्या है? बंगाल पर अधिकार कर लिया था। प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से खाली स्थान थे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वो पेशे से क्या थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक पेशे से एक वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ। यह पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक थे। माइक्रो फाइनेंस संस्था खाली स्थान को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम आय वाले व्यक्ति। माइक्रो फाइनेंस संस्था कम आय वाले व्यक्तियों की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। माइक्रो फाइनेंस शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो हुआ था वो कब हुआ था? 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विकास के दौरान किया गया था। माइक्रो फाइनेंस में योगदान के लिए मोहम्मद यूनिस 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था मोहम्मद यूनिस को। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों का व्यापक रूप से विस्तार करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली एक नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है छठ पूजा निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य देवता को समर्पित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को मनाई जाने वाली छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह सूर्य की उपासना का महत्वपूर्ण त्यौहार है। छठ पूजा 4 दिवसीय त्यौहार होता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों की। एक भारतीय नागरिक भी होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु भी है जो वो पूरी कर लेना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के किसी व्यक्ति के द्वारा 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, उन्हें एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में ये उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो 3,50,000 रुपया मासिक होता है। अगला है निम्नलिखित में किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एस्टिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एस्टिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, और एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CH3COOH। एस्टिक अम्ल के 6% जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन का उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जब स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थों पर आयोडीन की कुछ बूंदें डाली जाती है तो इसका रंग भूरा से नीला काला हो जाता है। इसमें स्टार्च की उपस्थिति का पता चल जाता है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैमर, एनबिल और स्टीयर अप। हैमर, एनबिल और स्टीयर अप दोनों कान में कुल अस्थियों की संख्या 6 है। दोनों अग्रपाद में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? 60 है। और मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम है हैमर, एनबिल और स्टीयर अप है। निम्न में कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना। पौधों की प्रकाश की दिशा में बढ़ना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीजन के कारण होता है। ड्रोसेरा नामक कीटभक्षी पौधे के स्पर्शकों में स्पर्शानुकुंचन गति होती है। अगला है दूसरा गोलमेज सम्मेलन खाली स्थान में आयोजित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सितंबर 1931 में जो आयोजित किया गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और कब? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दक्षिणापंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल हॉर भारत सचिव तथा ब्लिंकटन भारत के वायसराय थे। इस सम्मेलन में गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण जो था वो असफल रहा। और बी आर अम्बेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त प्रशस्ति की खुदाई की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी की विजय यानी धरनी बंद करने वाला बताया गया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख करता है। मार्च 2024 में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। ऑपरेशन सद्भावना को भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना के हिस्से के रूप में भारतीय सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना चला रही है। लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख में ही मनाया जाता है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में स्थित है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1707 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और कहाँ? अहमदनगर में हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। और औरंगजेब को 1637 ईस्वी में विवाह जो हुआ था वो फारस घराने की राजकुमारी दिलरास रासो बेगम जिसे राबिया दुराबी से हुआ था। किसे? दिलरास रासो बेगम से, जिसे राबिया दुराबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रोड्स टू मसूरी। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड है। और रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन जो है वो लेखक है। 2014 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक पत्तन है। इसे 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए खोला गया है था। नेक्स्ट है हॉकी के खेल के मैदान पर कितने खिलाड़ी एक टीम में सम्मिलित होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 खिलाड़ी एक टीम में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही है? तो आइए देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और दो जो है वो दोनों सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ है रेलवे RPF SI कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।